अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वर्स नंबर 12 एंड इन दैट वी हैड कवर्ड टू इंपॉर्टेंट एरियाज वन इज सस्पिशन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज स्पाइन आई मीन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड और इसी तरह से हर वक्त किसी न किसी की टो में रहना चेकआउट करते रहना लोगों को कि क्या कर रहे हैं और आपको पता है ये हैबिट्स घर के अंदर से पड़ती हैं कि जाओ देखो वो दादी क्या कर रही हैं बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है जाओ देखो फूफी आई हैं बैग बहुत बड़ा था किस किस को क्या क्या दिया है मदर स्पेशली ये रोल बहुत गलत तरीके से प्ले करती हैं कि वो उन्होंने प्रिटेंड करना है कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की सो वी हैव टू इंश्योर इन आवर फैमिलीज दैट वी स्टॉप दीज कल्चर्स रादर देन जस्ट पॉइंट ब्लैंक टेलिंग एवरी वन इन योर होम कि आप गुनाह कर रहे हैं आपने एक सिंपल प्रिंसिपल बनाना होता है कीप योर फैमिली वेरी प्रोडक्टिव एंड इवन इफ यू सी समवन डूइंग समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट आके बाकी घर वालों को ना बताएं आपने कोई चीज देख भी ली है चाची की ताई की फूफी की खाला की कजन की एंड यू नो कि अगर मैंने आकर अपने घर में अपने पेरेंट्स को या किसी को बताया उससे बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है तो चुप रहें जिप अप करें मत बात करें या अगर किसी के बारे में बात भी करें तो अच्छे तरीके से करें अच्छा गुमान दिलाएं यू नो समबडी सेज कि अच्छा उनके पास तो ये है तो आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी बात है ना हमें अपने रिश्तेदारों पर खुश होना चाहिए तो आपने क्या किया वो जिसे कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर आपने उसको रोक दिया सो आज हम थर्ड एलिमेंट पे बात करेंगे एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बैक बाइटिंग आपका क्या ख्याल है आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कह सकता है कि मैंने आज तक कभी बैक बाइटिंग नहीं की और आप में से कोई ऐसा शख्स कह सकता है कि बैक बाइटिंग में मजा नहीं आता ये नफ्स का शर होता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बैक बाइटिंग सो दैट वी एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन आवर ओन सेल्स इन आवर फैमिलीज what is not appropriate and how we can again put a stop to that backbiting pehli cheez to ye ki if we don't stop at the first place humne suspicion zan spying inko na choda to phir hum ek aur bade evil mein chale jate hain aur ye bada evil hai ki now you start backbiting about a person ab backbiting mein kya hota hai ki we look at a fault of a person and that fault might be there in that person And what we are doing is we are talking behind the back of that person about that fault. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Sahaba, "Do you know what riba is? What backbiting is?" And they said, "Allah and His Messenger knows best." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Saying something about your brother that he dislikes." And it was said, "What if I say about my brother and that is true?" So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "If what you say is true." Then you have backbitten about him, and if it is not true, then it is slandering. हमारे साथ अक्सर ये होता भी है. You were talking about someone. You were sitting in a group. Somebody passed by, and you said to your friend, "तुम्हें पता है इसके बारे में? आज तुम्हें पता है क्लास में इसके साथ क्या हुआ था? और आज तुम्हें पता है ये फलां जगह गई थी वहाँ पे मैंने इसको देखा था. और ये है ही ऐसी. And somebody says to you, कि तुम्हें पता है? You are backbiting. तुम गीबत कर रही हो. Do we get embarrassed? नहीं हम embarrassed होने के बजाय कहते हैं हाँ तो मैंने कोई झूठ बोला है ऐसे ही आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स फैक्ट की बात करना ही तो गीबत है समथिंग अगर उसको पता चल जाए कि आपने ये बात की है शी विल नॉट लाइक इट क्राइटेरिया ये है अगर वो चीज उसमें मौजूद नहीं है फिर तो वो तोहमत है वो उससे भी बड़ा गुनाह है वी हैव ब्लैटेंट वे ऑफ बैक बाइटिंग हम कहते हैं हाँ तो मैं डरती हूँ किसी से हाँ बुला लो उसको उसके सामने भी बोल दूंगी एंड द मोमेंट शी वॉक्स इन हाँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे आओ आओ बैठो चाय पियो आवर टोन इवन चेंजेस तो हम लोगों के बारे में उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बैक बाइट कर रहे होते हैं हमारी बैक बाइटिंग ना बड़ी ग्लैमरस भी है जिस तरह हम अपने ड्राॅइंग रूम्स को अपने आप को अपने घरों को अपनी डिशेज को सजाते हैं और उनको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं इसी तरह से हम अपनी बैक बाइटिंग को भी बहुत डिफरेंट नाम दे देते हैं मसलन शादी पे गए शादी पे तो एंजॉय कर लिया नाउ यू आर सिटिंग विद योर फैमिली सो एवरीवन इज डिस्कसिंग
दुल्हन कैसी थी, somebody asked the lady, और वो कहती हैं वैसे मेकअप बहुत अच्छी जगह से माशाल्लाह कराया था, लेकिन अब क्या करें, रंगत ही बेचारी की ऐसी है, कैमोफ्लाज्ड बैक बाइटिंग। क्या आपने बैक बाइटिंग भी कर दी, उसके साथ हमदर्दी भी कर दी? जेवर उसने बहुत पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो एक सेट था तो बड़ा ही बुरा लग रहा था, इतना वैसे कलर इन है जो उसने पहना हुआ था दुल्हन ने, लेकिन अल्लाह माफ करे सूट नहीं कर रहा था उस पर बिल्कुल। इस किस्म की बातें पहले तो दुल्हन के बारे में करते हैं, फिर उसके बाद हमें याद आ जाता है उसका हक महर क्या था, और फिर हम डिस्कस करते हैं अमीर है गरीब है, वहां पे उनको क्या क्या कहते हैं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, हक महर इतना रखा, देखिए ना लड़की की सिक्योरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, और गाड़ी में बैठते कहते हैं नंदे तेज लग रही थी, सांस तो सीधा करेंगी नजर आ रहा था। फिर हम क्या कर रहे होते हैं वहां पर, समटाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल, और हम यूं बैठे हुए हैं, और अब हमारी क्या चल रही है, इंटरनल बैक बाइटिंग चल रही होती है, जो गुजरता है तो हम कहते हैं हाय हाय बेचारी शर्ट कितनी शॉर्ट पहनी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अब वो गुजरती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्योंकि जो अंदर मूवी चल रही है वो तो किसी को नजर नहीं आ रही। अब हमने लोगों के ड्रेसेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हर चीज के बारे में जो दिल चाहा कह दिया। वी आर इन्वाइटेड टू समवन्स प्लेस फॉर डिनर और लंच, खाना खा लिया, इसी तरह गाड़ी में बैठे, एंड अगेन वी आर डूइंग ऑल दिस विद आवर फैमिली। गाड़ी में बैठ के क्या कहा कि अल्लाह ने मुझे तारीफ भी करनी पड़ी, लेकिन मुझसे एक नवाला नहीं लिया जा रहा था, उसमें मिर्चें तेज थी, उसका जायका इतना खराब था, गोश्त में से बू आ रही थी। भाई अगर आ रही थी, व्हाई डू यू हैव टू डिस्कस इट, कि वही चीज है ना, गोश्त में से वाकई बू आ रही थी, और अगर आप उनके सामने कहते सुने आपने जो खाना बनाया गोश्त में से बू आ रही थी, तो वो क्या करेगी, आपको गले लगाएगी। तो यही बैक बाइटिंग है जी। नेगेटिव थॉट जब भी आपके पास आएगी किसी के बारे में, तो आप अपने आप को बताएंगे लेट मी डू समथिंग मोर कंस्ट्रक्टिव, लेट मी नॉट थिंक अबाउट पीपल। तो यू कैन डू योर जिक्र एंड यू कैन रिवाइज समथिंग। आपके पास मोबाइल है, आप वेट कर रहे हैं किसी का कोई आया नहीं, कुरान पढ़ लें। आई हैव नाउ कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु आर सिटिंग इन द सेम गैदरिंग, उनको भी नजर आता है कि उसने जो शर्ट पहनी अच्छी नहीं है, ज्वेलरी पहनी है उस पर सूट नहीं कर रही, कलर जो है वो ठीक नहीं है, गोश्त में से स्मेल आ रही है, लेकिन वो खामोश रहते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके। इसी तरह आप देखें हम किसी के फीचर्स के बारे में कैसे बात करते हैं, ये भी अम्माएं बहुत करती हैं। किसी का रिश्ता देखने गई, आपने आके पूछा कैसी थी लड़की, अब वो कहती हैं अल्लाह माफ करे बस बिल्कुल मेरे जैसी थी। इसका मतलब क्या होता है वैसे कि मेरे जैसी थी, वो बताना ये कि एक हमने अगेन बड़े अच्छे तरीके से किसी की बुराई कर दी कि शी इज नॉट प्रिटी, कद बहुत छोटा था। भाई हम तो अल्लाह से माफी मांगते हैं, हम किसी के बारे में कोई बात नहीं कहते। अगर आपने इस्तखारा किया शादी के लिए, तो आप इस्तखारा करने के बाद कह सकते हैं मेरा इस्तखारा अच्छा नहीं आया, बस सिंपल। लेकिन इतना ज्यादा किसी के बारे में, किसी की रंगत के बारे में कहना, किसी के नाक को देखना, आप में से बहुत से लोग फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे, और जिस चीज पे अभी आप लोगों को सख्त गुस्सा आता है कि आप लोग ही जाएंगे, अपने भाई के लिए जाएंगे, बाद में अपने बेटों के लिए जाएंगे, अपने घर के और मर्दों के लिए जाएंगे, और नुक्स निकाल निकाल के आएंगे। You know, sometimes we are backbiting in the name of gossip. और कुछ लोगों को इतना शौक होता है, वो जैसे यूनिवर्सिटी आते हैं कहते हैं सुनो आओ चलो कैफेटेरिया चलते हैं, क्योंकि उनके पेट में मरोड़ हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और वो आपको आंखों से इशारा करते हैं आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल यू। वन टाइप ऑफ गीबा इज अ वेरी जूसी गॉसिप इन विच व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिस्कसिंग अफेयर्स ऑफ अदर पीपल्स लाइफ। तो पता है वो कल जल्दी निकली थी, और तुम्हें पता है वो गेट पे जब गई थी वहां पे कोई खड़ा हुआ था, और वो रास्ते में टेक्स्ट करती जा रही थी। अगर वो सामने आ जाए आप उसको कह सकती है तुम जा रही थी, उसको हम सिर्फ ये कहते हैं कहां गई थी क्या। और अगर वो आगे से गुस्से से कह दे तुम्हें क्या, हम कहते हैं नहीं नहीं भी मुझे क्या, मुझे क्या, हम उसकी एक और स्टोरी बन जाती है जूसी की, जब मैंने उससे पूछा फिर उसने ये कहा, और फिर मैं तुम्हें बताऊं वो है ही ऐसी, पता नहीं उसके घर का माहौल कैसा है, पहले वो इसके साथ थी फिर वो इसके साथ थी, फिर तुम्हें पता है मुझे फलां सेमेस्टर की और फलां कोर्स की लड़की ने उसके बारे में ये बताया है। अच्छा हॉस्टल वालों से पूछते हैं उनका क्या इसके बारे में ख्याल है, एंड आवर टॉक शो स्टार्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। समटाइम्स वी हैव आइडल काइंड ऑफ गॉसिप, आप बैठे हुए फारिग हैं, धूप सेक रहे हैं बाहर बैठ के, छांव में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपकी क्लास नहीं हो रही, अब आप बैठ के किसी को ढूंढते हैं किसके बारे में सोचूं, कोई नजर आए ये किसको मैसेज कर रही है, बड़ी देर से कर रही है, मुस्कुरा भी रही है,
आज कौन लेने आया इसको? अच्छा, लोगों की हॉट गॉसिप भी होती है, यू नो समथिंग विच इज हॉट इन द टाउन. कोई इवेंट ऐसा हुआ हो, किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आए, कोई बीमार हो गया, किसी की आपस में लड़ाई हुई, अब वो बेचारे लड़ने के बाद फारिग होके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम आते जाते देखो वहां बैठी. वी ऑल्सो हैव अ मिलिशियस काइंड ऑफ गॉसिप विच वी लर्न फ्रॉम टीवी ड्रामास एंड लॉट ऑफ मूवीज, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि एक वो कैमरा जूम इन हो रहा है और फिर जूम आउट हो रहा है और फिर जूम इन हो रहा है और फिर जूम आउट हो रहा है. जब तक लोड शेडिंग है और टीवी नहीं चल रहा, तब तक मैं फोन पे किसी की कहानी सुन लूं. अच्छा, फिर फोन बंद करते हैं. एंड नाउ वी हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर विद एवरीवन. देयर इज एन इशू इन योर क्लास. कुरान का प्रिंसिपल ये है, इफ यू आइडेंटिफाई एन ईविल एंड यू थिंक यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, टेक दैट इन्फॉर्मेशन टू द राइट अथॉरिटी. अगर आपको लगता है गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज हो रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट को नोट लिख दें. अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप अपना शेयर सही डाल सकते हैं, पॉजिटिवली डालें. लेकिन जस्ट डिस्कसिंग पीपल और जस्ट टॉकिंग अबाउट देम डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. इसी तरह आप देखें ऑफिस गॉसिप्स होती हैं. हम किसी टीचर के बारे में इतनी बुराइयां कह रहे होते हैं, उसी वक्त वो टीचर पास से गुजरे, एक दूसरे को कोनी मारते हैं, फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर. इवन कोई फौत भी हो जाए तब भी नहीं हम छोड़ते, वहां पे भी बैठ के हम देखते हैं कि किसने कितनी बोटियां खाई, कौन बैठा था, कौन कितना रोया. उसको तो दुख नहीं लगता, वो तो रोई नहीं इतनी ज्यादा. देखो देखो रो रही थी इतना ज्यादा, जैसे इसी को सारा दुख है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं, वी ब्रिंग डिसग्रेस फॉर आवर सेल्स, वी डिफेम अदर पीपल एंड वी आर नॉट हैप्पी पीपल. आवर ओन इमेज इज डिस्ट्रॉयड एंड एट द वेरी सेम टाइम पीपल आर नॉट हैप्पी, हमारे रिलेशनशिप सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर हैज रॉन्गड हिज ब्रदर विद रिगार्ड टू हिज ऑनर और एनीथिंग एल्स, लेट हिम सीक हिज फॉरगिवनेस टुडे बिफोर देयर विल बी नो दिनार एंड नो दिरहम, एंड इफ ही हैज एनी गुड डीड्स टू हिज क्रेडिट दे विल बी टेकन फ्रॉम हिम इन अ मैनर द वे ही हैज रॉन्गड इट, एंड इफ ही हैज नो गुड डीड्स देन सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स बैड डीड्स विल बी टेकन एंड एडेड टू हिज बर्डन. अभी तो हम बातें कर लेंगे, इसको सारी यूनिवर्सिटी की खबरें होती हैं, पूछ लें लेटेस्ट करंट न्यूज क्या है. अब यहां पे तो हमने ये सारे काम कर लिए. ऑन द डे ऑफ जजमेंट अगर हमने दुनिया में उससे फॉरगिवनेस ना ली, माफी ना करवाई एंड वी डाई, तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमारे गुड डीड्स उसको दे दिए जाएंगे. आप सोचें वो नेकियां जो हम इतनी बचा के रखते हैं. और अब हमारे कल्चर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप मीडिया खोलें उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, एक टॉक शो, दूसरा टॉक शो, तीसरा टॉक शो, एंड दे कंटिन्यूअसली बैक बाइटिंग. पीपल बैक बाइट व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड देमसेल्व्स. यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लॉट ऑफ ड्रेसेस, लेकिन यू सी अनदर गर्ल हु हैज 20-25 और शी डजंट इवन रिपीट अ ड्रेस. अब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि मैं क्यों नहीं पहन सकती. व्हेन यू आर सिटिंग, what you are doing is when she passes by you say you're looking nice, and when she's gone you tell your friend show marti rehti hai, bada samajhti hai apne aap ko, but basically you yourself are frustrated. to apni frustrations ko check kare ki why am I talking against this person. kabhi kabhi teacher ki jab hum backbite kar rahe hain hum khud nahi pad rahe hote, apni assignments time pe nahi submit kara rahe hote, aur uski wajah se hum frustrated hain. teacher ne kuch bhi kaha to hum kehte hain teacher to hote hi aise hain. इसी तरह से कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता होता, तो आप अपने आप को बार बार रोकते हैं, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मी. दो चीजें होती है, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. यू कैन बी कंसर्न अबाउट वेदर, व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन बी कंसर्न अबाउट योर मोहल्ला, यू कैन बी कंसर्न अबाउट योर यूनिवर्सिटी, लेकिन यू कैन नॉट चेंज सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स. इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्लेस वेयर यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई थिंग्स. इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट फाइन, इफ आई कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट आई एम नॉट गोइंग टू बी पुटिंग माई शेयर इन. इसी तरह जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं लाइफ में, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो किसी के बारे में बात नहीं करते. आपका क्या ख्याल है कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ये लोग बैठ के लोगों की गीबतें करते होंगे? एंड इसी तरह कुछ लोगों का क्या हाल होता है कि वो विक्टिम मेंटेलिटी के साथ रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ हर वक्त कुछ जुल्म हो रहा है. इसका सलूशन ये है जो इस आयत में आया, वत्तकुल्ला, अल्लाह का तकवा. एवरी टाइम यू वॉन्ट टू से समथिंग एंड यू रियली फील लाइक सेइंग समथिंग, प्लीज स्टॉप. आप अपने आप को बताएं आई एम आंसरेबल टू अल्लाह सुभान व तआला एंड आई शुड नॉट टॉक अबाउट पीपल. अपने ऊपर फोकस करें, अपनी शॉर्टकमिंग्स को फिक्स करें.
सकते हैं. समटाइम यू कैन से, यू कैन गो एंड से आई एम सो सॉरी आई गॉट लिटिल इमोशनल, समबडी वॉज टॉकिंग अबाउट यू एंड आई सेड समथिंग विच आई शुडंट हैव सेड, कैन यू प्लीज फॉरगिव मी. अगर आपको लगता है आप उसे ये नहीं कह सकते, अब आइंदा के लिए आप उस अच्छाई करना शुरू करें और जिस जगह आपने उसकी हिबा की है वहां उनको जाके कहें कि सुनो मैंने जो बात कही थी वो ऐसे नहीं है, शायद मैं गुस्से में थी, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, आई रियलाइज लेटर कि मुझे ऐसे नहीं उसके बारे में बात करनी चाहिए थी. वहां करेक्शन करें, उसकी तरफ से सदका दें, उसके लिए बहुत ज्यादा दुआ करें. अगर हम इस हफ्ते का टारगेट रख लें मैंने किसी की हिबत नहीं करनी, नेक्स्ट वीक मैं आपसे पूछूंगी आपकी तबीयत कैसी है. जैसे अम्मी है घर में, अब अम्मी हिबत कर रही है किसी के साथ बैठी, अब आपको नजर आ रहा है आपको इरिटेशन हो रही है, अब अम्मी को कहा तो एक जूता आएगा. आप कोई बड़ा कूल सा जुमला बोलते हैं, आप कहते हैं पता है क्या बात है, वो इतना बुरा इंसान है लेकिन उसके तो गुनाह झड़ रहे हैं, आपकी नेकियां उधर जा रही हैं. एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आप देखिए वो खुद ही चुप हो जाते हैं. आप एकदम उठते हैं, आप कहते हैं छोड़ें क्या दूसरों की बातें करनी, चाय पीते हैं. फिर बाद में वन टू वन आप उन्हें समझाते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहद व ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.